अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राबिया सलमान एंड हियर आई एम योर कंप्यूटर टीचर। नाउ स्टूडेंट, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द डिजिटल एकेडमिक प्लेटफॉर्म ऑफ मूनलाइट इंटरनेशनल पब्लिशर्स। मैं आप सबको यहाँ पर वेलकम करती हूँ। होपफुली आप यहाँ पर वीडियोस देख रहे होंगे और आपको इनके बारे में समझ भी आ रही होगी। हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 डिजिटल सिटीजनशिप है। डिजिटल सिटीजनशिप में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। हम ICT एथिक्स के बारे में बात कर रहे हैं और ICT एथिक्स के हवाले से आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर एथिक्स। पहले हमने इंटरनेट के हवाले से पढ़ा था कंप्यूटर एथिक्स क्या होता है। कंप्यूटर की एथिक्स का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, इखलाक के आत होते हैं। जिस तरह हर चीज़ के कुछ एक मॉरल वैल्यूज़ होती हैं ना, इस तरह कंप्यूटर के भी कुछ कंप्यूटर मॉरल वैल्यूज़ हैं, कंप्यूटर के भी कुछ इखलाक के आत है। तो अगर हम कंप्यूटर एथिक्स की डेफिनेशन की बात करें तो कंप्यूटर एथिक्स इज़ अ एप्लीकेशन, एक ऐसी एप्लीकेशन है ऑफ ए मॉरल प्रिंसिपल। मॉरल प्रिंसिपल है दैट यूज़ ऑफ कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर को हमने किस तरह इस्तेमाल करना है एंड द इंटरनेट और इंटरनेट को किस तरह इस्तेमाल करना है। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, कंप्यूटर एथिक्स इज़ द एप्लीकेशन, ये कैसी एप्लीकेशन है, द यूज़ ऑफ द मॉरल प्रिंसिपल्स। जो कि आप मॉरल प्रिंसिपल्स का मतलब है कि अखलाकियात को देखते हुए हमने कंप्यूटर और उसके इंटरनेट का इस्तेमाल करना होता है। एग्जाम्पल आपके पास जो है वो आपके पास आ जाती है प्राइवेसी आ जाती है, आपके पास कुछ प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, कुछ आपके पास रूल्स रेगुलेशन आ जाते हैं, पॉलिसीज आ जाती हैं, ऑनलाइन एटिकेट्स आ जाते हैं, ये सारे आपके कंप्यूटर एथिक्स में आते हैं। यहाँ पर जैसे आपको क्लियरली शो भी हो रहा है कि ठीक है कंप्यूटर एथिक्स के बारे में हम बात करते हैं, तो नंबर 1 पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अगर किसी की प्रॉपर्टी है, किसी ने कोई पब्लिशिंग में काम किया है, वैसे किसी ने कोई काम किया तो उसको मिसयूज़ मत करें। नंबर 2 पे है आपका प्रॉपर प्लान, आपने अपना प्लान बनाना है कि आपने किस तरह काम करना है और वो काम किस तरह जाएगा। फिर नंबर 3 पे आपका आएगा कि मिसचीफ है आपके वर्णन के, कोई किसी भी चीज़ का आप गलत इस्तेमाल मत करें। जो भी काम है, जिसका भी काम है, आप डिजिटल वे में कर रहे हैं, जिस तरह भी कर रहे हैं, उस चीज़ को गलत इस्तेमाल ना करें, ठीक है। और नंबर 4 में आपकी है प्राइवेसी, प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियल रखें। आपका जो डाटा है, हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था, जो डाटा है उसको कॉन्फिडेंशियल रखें, राज में रखें, उसको ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर एथिक्स के जो हमारे 4 पॉइंट्स हैं वो हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, ठीक है जी, कि आपने किसी की प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करनी। प्रॉपर प्लान है कि आपने किस तरह है, मिससेफ है कि किसी का काम को गलत इस्तेमाल नहीं करना, और फिर प्राइवेसी है, इनको लॉस को हमने लेके आगे चलना होता है। ये कंप्यूटर एथिक्स में आपके पास चीज़ें आती हैं। हम कंप्यूटर एथिक्स की बात करें, हमने कंप्यूटर एथिक्स में 4 चीज़ों के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं इंटरनेट एथिक्स के बारे में। डेफिनेटली इंटरनेट हम यूज़ कर रहे हैं तो इंटरनेट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे जिस पर हम बात करें। आजकल जो दौर है, जो आजकल जिस पर हम काम करें, तो सारा इंटरनेट बेस ही है, डिजिटल आपका बेस है सारा। हमने ऑनलाइन बात करनी होती है, किसी चीज़ों को व्हाट्सअप करना होता है, सोशल मीडिया पर बात कर रहे होते हैं, तो उसमें भी हम इंटरनेट एथिक्स से बात करते हैं। तो वर्ड इंटरनेट एथिक्स इज़ द क्वाइट वाइड का मतलब होता है ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत इंटरनेट है, पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है, हर जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। इट इज़ एक्सट्रीमली रेफर्स, ये हर जगह पे एक्सट्रीमली रेफर्स है कि आप एग्जामिनेशन ऑफ द रूल है, आप उसको इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसमें इन वर्ड इंटेलेक्चुअल थिंग्स रेफर है कि क्या चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या चीज़ें आप उसमें देख रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी इंटरनेट एथिक्स में आती हैं। डेट है, आपके मोबाइल हैं, आपके डिजिटल सारे डिवाइसेस है, कंप्यूटर है, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ रही होती हैं। तो हमारे जो हम जो सोसाइटी में रहते हैं, हम यहाँ पे जो बात करते हैं फॉर अ सोसाइटी ऑफ द होल एंड फॉर द काइंड ऑफ द पीपल एज वी लिव, कि जहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, हम किस तरह इंटरनेट एथिक्स में हम उसको रह के बात कर रहे हैं। स्टूडेंट, ये हमारा आज का टॉपिक था। होपफुली आप लोगों को इसके बारे में क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा। हम इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।